गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत वाणी से पाठ 13 लट लगा वर्तमान काल प्रथम पुरुष में एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों के बारे में पढ़ाऊंगी। इस पाठ में एक वचन के भी वाक्य हैं, द्विवचन के भी वाक्य हैं और बहुवचन के भी वाक्य हैं। एक वचन का मतलब होता है एक लोग, द्विवचन का मतलब होता है दो लोगों के लिए और बहुवचन का मतलब होता है दो से अधिक लोगों के लिए। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पहला है गच्छति। गच्छति का मतलब है जाता है। फिर है बालक गच्छति, तब बालक जाता है। सब विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। यह हो गया एक लोगों के लिए। अब द्विवचन का गच्छतः। गच्छतः मतलब जाते हैं। छात्री गच्छतः। छात्री का मतलब होता है, छात्र का मतलब होता है एक छात्र, और छात्री का मतलब होता है दो छात्र। यहाँ पे होगा दो छात्र जाते हैं। ते गृहं गच्छतः। ते मतलब वे दोनों घर जाते हैं। फिर है गच्छन्ति। गच्छन्ति का मतलब होता है जाते हैं। यहाँ पे गच्छन्ति मतलब यहाँ पे आ जाएगा बहुत सारे लोग, मतलब दो से अधिक। फिर बालिका गच्छन्ति, बालिकाएं जाती हैं, मतलब एक से और दो से अधिक। ता उद्यानम गच्छन्ति, वे सब उद्यान में बागीचे में जाती हैं। वानर खादती यानी वानर मतलब एक वानर खाता है। वानरों खादतः, वानरों का मतलब है दो वानर खाते हैं। फिर है वानरा फलानी खादती, मतलब वे सारे बंदर फल खाते हैं, इसका ये मतलब हो गया। तो इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों के वाक्य थे। यहाँ पे एक वचन में वानर खादती हो गया, द्विवचन का हो गया वानरों खादतः, फिर बहुवचन का हो गया वानरा फलानी खादती। अब विद्यालय दिनचर्या, तब विद्यालय में दिनचर्या, विद्यालय का दिन लिखा है बालक मित्र सब विद्यालयम गच्छति, तब बालक जो है मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सर्वे छात्रा गुरुं नमन्ति, सभी छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। अध्यापक तां पाठयति, तब अध्यापक पढ़ाते हैं। बाल सभायां रमा विभा च गायतः, बाल सभा में बालकों के लिए जो सभा हो रही है उसमें रमा और विभा गाते हैं। सुधा वंशी वादयति, सुधा जो है वंशी बजाती है। छात्रा प्रसन्ना भूत्वा प्रोत्साहनाय करतल ध्वनि कुर्वन्ति, छात्रा के प्रोत्साहन के लिए हाथों से ध्वनि करते हैं, यानी ताली बजाकर आवाज करते हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। दो बालक नृत्यतः, दो बालक नृत्य यानी नाचते हैं। मंजरी लोकगीतम प्रस्तुति करोति, मंजरी जो है लोकगीत प्रस्तुत करती है। अत्र अनेक शैक्षिक क्रियाकलाप भवन्ति, यहाँ पे अनेकों तरह के शैक्षिक क्रियाकलाप होते हैं। मध्यावकाशे छात्रा स्वगृहात् आनीतं भोजनं खादन्ति जलं पिबन्ति च, मतलब यहाँ मध्य अवकाश मतलब बीच में जब अवकाश होता है, यानी जब लंच ब्रेक होता है, तो छात्र अपने घरों से लाए हुए भोजन खाते हैं और पानी पीते हैं। तत्पश्चात अध्ययनाय ते स्वकक्षा प्रविशन्ति अध्ययनं कुर्वन्ति च, इसके बाद सारे छात्र अपने अपने कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। अंतिम वादने छात्रा क्रीड़ा स्थलम गत्वा क्रीडन्ति, अंतिम वादने मतलब अंतिम के घंटे में यानी लास्ट बेल में वे सब क्रीड़ा स्थलम यानी खेल के मैदान में जाते हैं और खेलते हैं। विद्यालय अंतरम ते स्वगृहं गच्छन्ति, विद्यालय के अंत होने पर यानी छुट्टी होने पर सभी अपने अपने घर जाते हैं। अयम एकाध्यापकीय विद्यालय अस्ति, यह
विद्यालय है। बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। धन्यवाद।